नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सोलर प्लांट में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने 60 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाकर उनसे लाखों रुपए ठगे हैं। शातिर ठग ने टाटा सोलर प्लांट बीकानेर में नौकरी दिलाने का झांसा दिया, जिसके लिए प्रत्येक युवक से 4,770 रुपए वसूल लिए थे। रायसिंह नगर, खाजुवाला और श्री विजय नगर में पीड़ित युवकों ने थाने में पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया, जहां पर थाना अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के श्री सांवलिया जी सामान्य चिकित्सालय परिसर में संचालित हो रहे एक छत आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचकर्म का निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन आयुर्वेदिक विभाग के ओएसडी गिरधर गोपाल शर्मा ने किया। इस शिविर में कई असाध्य रोगों का इलाज निशुल्क किया गया है। इस अवसर पर आयुर्वेदिक विभाग के ओएसडी गिरधर गोपाल शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सदियों पुरानी है और उसको पहचानने की आवश्यकता है। वर्तमान में आमजन के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से आयुर्वेद पद्धति की ओर परिवर्तित करने के लिए जागरूकता लाने की जरूरत है। देखिए, एक छत का कंसेप्ट जो था वो नेशनल हेल्थ मिशन जब से आया तब से ये रखा कि एक कैफेटेरिया में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में हम एक ही छत के नीचे सभी चिकित्सा पद्धतियाँ आम जनता को उपलब्ध करवाएं, ताकि लोगों को एक छत के नीचे ही सभी सुविधाएं सही रूप से उपलब्ध रखें। इस कंसेप्ट को लेकर के लगभग 2006-07 में ये आयुष विंग का अलग से निर्माण किया गया था, और अभी भी एक छत के नीचे नेशनल आयुष मिशन जो है उसकी गाइडलाइन अपनी बनी हुई है। उसके तहत अपने यहाँ एक छत के नीचे जिला चिकित्सालय लें या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लें या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लें, वहाँ पे अपने आयुष की जो बिल्डिंग बनाने का प्रोविजन रखा हुआ है। तो अभी मैंने इनको यहाँ जो पदस्थापित चिकित्सकों को कहा है कि उनकी गाइडलाइन के अनुसार अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करके भिजवाएँ, ताकि इसका कुछ एक्सटेंशन भी हो सके और इसको रिनोवेट भी कर पाए। मारवाड़ की मरुगंगा लूणी नदी, जो कि तटवर्ती क्षेत्र में किसानों के लिए किसी भागीरथी से कम नहीं है, लेकिन विगत अरसे से पाली, जोधपुर और बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों से धारा प्रवाह केमिकल युक्त दूषित पानी से नदी के निस्तारण से अन्नदाता के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है। भ्रष्ट तंत्र की भीड़ चढ़ी किसानों की जमीन दूषित पानी के जल रिसाव और सिंचाई से बेशकीमती कृषि भूमि जो कि बंजर हो चुकी है। हालात यह बन चुके हैं कि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता के उपरांत भी फैक्ट्रियों से छोड़ा गया केमिकल युक्त दूषित पानी के प्रभाव से जीरा, इसबगोल, रायड़ा, गेहूं की पैदावार ना के बराबर हो गई है। किसानों की आजीविका को लेकर यह चिंता का विषय बना हुआ है। मारवाड़ की मरुगंगा कहलाने वाली लूणी नदी, आज इस नदी के जो हालात हैं, इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है? एक तरफ अगर प्रत्यक्ष तौर पर कहेंगे तो फैक्ट्री मालिक, जो फैक्ट्रियों से केमिकल युक्त दूषित जल प्रवाह है उसका निस्तारण वो कहने को तो ट्रीटमेंट प्लांट में करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट सीईटीपीटी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, उनकी मिली भगत और ये लाल फीताशाही और भ्रष्ट तंत्र ने आज किसानों को एक बदहाली की स्थिति में खड़ा कर दिया। ये वही क्षेत्र हैं, ये लूणी नदी का जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जहाँ एक समय में जीरे, रायड़ा, इसबगोल की बंपर पैदावार के लिए चर्चित था, लेकिन आज क्या हालात है? आज जमीनें बंजर हो रही है, हालात जस के तस बने हुए हैं। इन सारी परिस्थितियों को अगर अपन गंभीरता से देखेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हाड़ा रानी महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की सीटें बढ़ाने, शिक्षकों की कमी को पूरी करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर महेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन देकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी, लेकिन मंत्री ने बताया कि हाड़ा रानी राजकीय महाविद्यालय सुलुम्बर, जो कि तहसील मुख्यालय का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जिसे स्थापित हुए लगभग 32 वर्ष हो गया है, जहां पर आसपास के क्षेत्र में हजारों विद्यार्थी अध्ययनरत है। इस महाविद्यालय में यूजी और पीजी स्तर के कला संकाय, वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय में कुल मिलाकर 30 शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकार की वजह से व्यवस्थाओं की भर्ती यहाँ पर नहीं हो रखी है। लॉयन दिलीप तोशनीवाल सेवा की भावना दिखते हुए सोच बदलो जीवन बदलो के ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए प्रातः ही प्रत्येक माह में एक रविवार को एक्शन संडे के रूप में सेवा की गतिविधियों के साथ बनाने का निश्चय किया है। इसी श्रृंखला में गांव में चल रहे सेवा करे की भावना को ध्यान में रखते हुए लॉयंस क्लब जोधपुर सेंट्रल द्वारा जोधपुर में 1,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस मुहिम के तहत लूणी के
नंदवान, रालजी और साथ ही कई प्रांगणों में पौधारोपण किया जाएगा। राजा बलि मंदिर के नंदगांव प्रांगण में क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा के मार्गदर्शन में पौधारोपण लॉयंस क्लब जोधपुर सेंट्रल के तत्वाधान में किया गया, जहां पर ट्री गार्ड का सहयोग क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा द्वारा किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।